OnePlus का नया Nord CE 4 फाइनली आ चुका है। अप्रैल फूल के दिन भाई को लॉन्च करा गया है। भाई के पहले ही सारे स्पेक्स फेक्स लीक हो गए थे, कंपनी ने आधी चीजें पहले ही उतार दी थी। मेरे को पूरा विश्वास था आज पोपट बनेगा। हमने OnePlus का फ्लैगशिप किलर फोल्डिंग एक्सपेरिमेंटल सारे ट्राई कर रखे हैं, बट ये वाला OnePlus की मिड रेंज सीरीज का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। पेपर पे अगर आप देखोगे तो सारी चीजें काफी हद तक सॉलिड लग रही हैं, बट लास्ट टाइम से कुछ चेंजेस कर रखे हैं, थोड़े डाउनग्रेड्स भी। देखो वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर पूछोगे भाई थोड़े जंगली क्यों लग रहा है, तो भाई को चिकन पॉक्स था, तो मैं हेयर कटिंग वाले भाई को नहीं देना चाहता था, और आपको कैमरे टू कैमरे ट्रांसफर नहीं हुआ। अप्रैल फूल पे लॉन्च करना क्या स्ट्रेटजी है मुझे समझने है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। सबसे पहली चीज भाई अनबॉक्सिंग के लिए काफी प्यारा सा डब्बा, तो यहाँ पे फोन का डब्बा लग रखा है और यहाँ पे साइड में एक और खांचा बन रखा है। ये है बॉक्स, बॉक्स भाई नॉर्ड लिखा हुआ है कटा कटा कटा, एंड यहाँ पे OnePlus का लोगो। काफी स्टैंडर्ड सी पैकेजिंग है, बट मिड रेंज में OnePlus की सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। वैसे 30,000 के नीचे इसका प्राइस रहता है, एग्जैक्ट प्राइस हम भी चेक करेंगे। सबसे पहले तो भाई अपना कवर, वो कवर भारी सा लग रहा है, कवर तो हल्का ही है भाई, लचीला टाइप, अंदर की तरफ थोड़ा टेक्सचर है। उसके अलावा पुस्तकें काफ़ी सिमिलर भाई, इसमें देखो कैसे बेइज्जती कर रखी है भाई, क्या पहली लाइन के लिए कंसिडर दिस फाइनली क्राफ्टेड पीस ऑफ लिटरली रबिश ऑफ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। भाई रबिश बोल दिया भाई, ये तो बेइज्जती कर दी भाई अपनी, ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए भाई। स्टिकर एक दे रखे हैं, एक रेड केबल क्लब का एक कार्ड दे रखा है, मैंने स्वाइप करके देखा था, इसमें 10 रुपए भी नहीं है। उसके अलावा भाई चार्जर, ओहो एक 100 वॉट का चार्जर दे रखा है। इस प्राइस पॉइंट पे अगर 100 वॉट देती है कंपनी तो भाई बैटरी वैटरी कम करती है, इसमें चेक करना पड़ेगा बैटरी, बट 100 वॉट भाई डेफिनेटली सॉलिड है। केबल OnePlus की ऐसी स्टैंडर्ड आती है, इसमें टाइप ए टू सी। सबसे पहली चीज भाई डब्बे के अंदर फोन है, काफी अलग सा लग रहा है भाई, यहाँ पे टेक्सचर मार्बल वाला कुछ दे रखा है। फाइनली भाई इसको खोलने का टाइम आ गया। मैं देखो एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, घर में संगमरमर वाली टाइलें नहीं होती, बिल्कुल सेम फील दे रहा है, और दिखने में दूर से काफी प्यारा सा लग रहा है। OnePlus ने भी है अपने सोशल मीडिया पे शेयर करा था, मैं काफी एक्साइटेड हो गया था भाई, ओहो काफी अलग सा भाई मार्बल वार्बल लगा दिया गया, बट है पूरा प्लास्टिक। मैं इसको एक प्रीमियम फील तो नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। OnePlus Nord CE3 जो था वो भाई बहुत ही ज्यादा बिका था, मैंने भी काफी सारे लोगों को रिकमेंड करा था, उसकी बिल्ड भी काफी इंटरेस्टिंग सी थी एंड काफी डिफरेंट थी। इस बार बिल्कुल ही चेंज कर दिया है बिल्ड का जो पूरा स्टाइल था, एंड OnePlus काफी सारी चीजें चेंज करता रहता है, जैसे स्लाइडर कभी लेफ्ट कभी राइट कभी गायब हो जाता है, कैमरे में भी कभी किसी का कैमरा बहुत तगड़ा है किसी का कैमरा थोड़ा सा एवरेज टाइप है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो दिखने में कैसा लग रहा है, जैसे भाई दूर से आप देखोगे भाई एकदम मार्बल की टाइलें लगा रखी हो, ओहो अब जाके छूओगे तो सनमाइका लगेगा, तो वो थोड़ा सा ऑफ सा लगता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे थोड़े बहुत फोन्स में ग्लास आ जाता है, किसी किसी में वीगन लेदर भी आ जाता है, बट ओवरऑल हाथ में पकड़ने में एक स्टर्डी बिल्ड है, साइड्स पूरी फ्लैट है, टॉप की तरफ से एक हल्का सा कर्व आपको देखने के लिए मिलता है। कलर जो है मुझे अच्छा लगा, एंड थोड़ी बहुत और भी चीजें, ऊपर की तरफ एक IR ब्लास्टर भी है। अपने घर की बालकनी से अंकल के घर का TV IPL ऑफ करके टेकवन रेडियो चला रहा। मेरे को एक बात सही लगी, OnePlus ने टाइमिंग चुनी अप्रैल फूल पे IPL के दिन, IPL के टाइम पे ही। बैक साइड में आपको लगेंगे 3 कैमरे, बट एक्चुअली 2 ही कैमरे हैं, एंड तीसरा एक गोल गोल फ्लैश है, इसके अंदर 2 फ्लैश से लगा रखे हैं, इसको भी टेस्ट करेंगे अच्छे से। अच्छा तो लग रहा है भाई, जो डिस्प्ले उसमें आपको हल्का सा एक ब्लैक बॉर्डर दिखता है, थोड़ा सा उठा हुआ सा है। इस फोन के अंदर IP54 रेटिंग भी डाल रखे हैं, और इसमें एक पानी वाला टच वाला फीचर है कि गीले हाथ से अगर आप छू रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आई, बारिश में आप चला सकते हो। पूरा पानी में तो नहीं डालेंगे क्योंकि एक बार हमने डाला था उसमें बुलबुल आ गए थे, बट हल्के से अगर आपके गीले हाथ है तो चल रहा है। राइट साइड में पावर और वॉल्यूम बटन है, नीचे की साइड पे USB Type-C का पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल काफी इंटरेस्टिंग लगा रखे, और यहाँ पे एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, और इसमें आप 1 TB का microSD कार्ड लगा सकते हो, जो डेफिनेटली काफी सॉलिड है। और एक चीज और जो मेरे को काफी सॉलिड लगी, जो वाइब्रेशन मोटर लगा रखी है कुछ अलग सी, जैसे ये नॉर्मल है ना, यहाँ पे अपनी ऐप गैलरी को ऊपर नीचे करोगे ना तो एकदम एंड पे जाने पे ना हल्का सा था स्लाइट सी वाइब्रेशन आती है, एंड वो काफी प्यारी सी लग रही है, एंड इवन वॉल्यूम में भी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे इस टाइप की नहीं आती है, थोड़े महंगे फोन्स में आती है, बट डेफिनेटली फ्लैगशिप लेवल की वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी। और एक चीज और काफी प्यारा लगा वो है इसका डिस्प्ले, 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120Hz का डिस्प्ले। मैं अगर आपको फुल ब्राइटनेस करके दिखाऊं भाई, डेफिनेटली आपको काफी प्यारे कलर्स इसके अंदर दिख जाएंगे, एकदम साइड से भी ऐसे मोड़ के आपको दिखा दूंगा ना तो भाई कलर्स एकदम कोने से भी फीके नहीं पड़ते। HDR10+ आपको मिलता है डिस्प्ले में, एक ऐप डाल करके और रिलैक्स करके, समुंदर की आवाज़ आती है, जंगल की आवाज़ डालनी है, मिक्स कर सकते हो भाई, जंगल में पानी,
डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगी। और एक चीज और काफी इंटरेस्टिंग रहेगी कि इसके अंदर भाई ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं है, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन तो हो सकता है आप यूज भी कर लो। एंड अबाउट सेक्शन में अगर आप जाओगे, ऑक्सीजन ओएस 14 इसके अंदर ऐड कर रखा है, बेसिकली एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है पूरा। वन प्लस से कोई सूचना नहीं है भाई कितने साल ओएस अपग्रेड आएंगे, पर मेरे हिसाब से 2 साल ओएस एंड 3 साल सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे इस वाले फोन के ऊपर। ऑक्सीजन ओएस के काफी सारे फीचर्स जो आप लोगों को पसंद है, काफी लोग यूज भी करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, आप फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, आपको कलर्स या फिर आइकन्स को कस्टमाइज करना वो डायरेक्टली हो जाता है। एक और नया फीचर भी ऐड करा है रिसेंटली, फाइल डॉक करके। राइट साइड से आप इसे स्क्रॉल करोगे तो फाइल डॉक आया था, उसमें आप काफी सारी चीजें स्टोर करके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वैसे बिल्ड हाथ में करने ऐसा कुछ खास भारी भरकम नहीं है, काफी हद तक एक बैलेंस बिल्ड है, बट इसके अंदर 5500 mAh बैटरी दे रखी है, डेफिनेटली काफी सॉलिड है। बट 100 वॉट के चार्जर के साथ भाई काफी किलर कॉम्बो बन जाता है, बैटरी लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पूरी वीडियो के थ्रू आउट भी मैं इसको अच्छे से यूज कर रहा हूँ, 26% से 24% पहुंची है अभी। नॉट सीरीज को भाई मिड रेंज के लिए बनाया जाता है, बैलेंस फोन बनाने की कोशिश करी जाती है। कभी कभार इसमें भाई परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाता है, कैमरा ऊपर नीचे हो जाता है, हमको दोनों को टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें 2 कैमरे का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा लगा रखा है वही इसके साथ, एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 16 मेगापिक्सल सेल्फी हम टेस्ट करके आएंगे तभी पता चलेगा। लेट्स गो। कैमरे की टेस्टिंग करने आ गए थोड़े घरेलू एनवायरनमेंट, यहाँ पे पौधे वोधे और पीछे भाई अपना माहौल सेट कर रखा है। इससे भाई थोड़ी बहुत फोटो खींचते हैं, वाइड एंगल में खींचेंगे, एक 1x में पेड़ की भी खींच लेते हैं भाई, वाइड में भी खींचेंगे पेड़ की। जैसे कि देख सकते हो भाई पेड़ पौधे की अच्छी खासी फोटोज आ रखी हैं। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, जो प्राइमरी से हमने फोटो खींची है एंड ये वाइड से खींची है, आपको एक अच्छा खासा कलर्स में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि भाई प्राइमरी डेफिनेटली 50 मेगापिक्सल का काफी अच्छा खासा फर्क होता है। जो प्राइमरी ये कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट आता है वो काफी प्यारा सा लग रहा है, डिटेल्स भी अगर आप जूम इन करो तो अच्छी खासी डिटेल्स हैं, और ऐसा नहीं कि भाई बहुत तगड़ा लाइटिंग एनवायरनमेंट है। वाइड में भी कलर्स डिफरेंट है बट ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है, डिटेल भी ओके है, बट ओवरऑल फोटोज इस वाले फोन से भाई काफी इंप्रेसिव लग रही है। ये वाली भी जैसे मैंने खींची तो इसमें जूम करके भाई टिश्यू पेपर कौन सी कंपनी का है, पूजा घर में काफी सारे भगवान जी रखे उनकी भी फोटो हमने खींच ली चुपके से। ये एक पोर्ट्रेट फोटो, पोर्ट्रेट फोटोज अभी खिंचवाई मैंने अपनी एंड सेम जगह खड़े हो गए, जैसे ये वाली फोटो है ये काफी डार्क और काफी ओवरली कॉन्ट्रास्टी है, एंड सेम फोटो मैं ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में खींची बट ये वाली फोटो काफी अच्छी है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा हिल गया था तो मैंने दोबारा ली थी, तो सेम ही कंडीशन में कभी कभी ऐसी फोटो ले रहा है एंड कभी कभी ऐसी फोटो ले रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगा। तो ये हमने सेल्फी खींची है, इसमें डिसेंट डिटेल है, आप दाढ़ी के थोड़े बहुत बाल देख सकते हो, ओवरले इसके प्रिंट का पफ काफी अच्छे से आ रखा है एंड दिखने में भी ओवरऑल कलर्स वगैरह सही लग रहे हैं फोटो के अंदर। 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इसमें अगर आप OIS ऑन कर दो तो 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड होता है। ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई 4K 60 FPS पे एंड इसमें OIS वाली स्टेबिलाइजेशन है, तो आप हल्का सा आइडिया ले सकते हो भाई कैसी आ रही है, बट ओवरऑल कलर्स मेरे को डिसेंट लग रहे हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है बट हाँ भाई आपका बढ़िया काम चल जाएगा। इसमें सिनेमैटिक मोड ऐड कर रखा है, उसमें बैकग्राउंड अगर ब्लर करना हो तो वो हो जाता है, जैसे ये वाली हमने भाई मुदित के बैकग्राउंड से सेपरेशन आप देख सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और लेंस फ्लेयर भी थोड़ा सा अलग सा ऐसे लुक सा दे रहा है। वाइड में ये कुछ फोटोज हैं, ये 1x में एक फोटो है और ये 2x में है। आपको इसमें डुअल वीडियो वाला मोड भी मिल जाता है, इसमें OIS भी मिल जाता है, जैसे ये वीडियो विदाउट OIS है और ये OIS के साथ में। फोटोज वीडियोज सेल्फीज जितनी भी चीजें हमने इस फोन के कैमरे से ली वो सारी चीजें मेरे को डेफिनेटली इंप्रेसिव लगी एंड OnePlus ने पिछली बार से एक डेफिनेट अपग्रेड करा है कैमरे के अंदर। हमको ये मजा है चीजें टेस्ट टेस्ट करके, इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट तो नहीं बोल सकते बट डेफिनेटली अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इस बार अपग्रेड आप बोल सकते हो Snapdragon 7 Gen 3। लास्ट ईयर 782 जी था, इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली डायमेंसिटी 7200 मिल जाता है, जो अच्छा प्रोसेसर है, सही गेम वेम चला लेता है, पर ये उससे एनी डे बेटर है, पिछली बार से भी एक अपग्रेड आप बोल सकते हो। एंड जितना मैंने नॉर्मली भी यूज करा ऐप ड्रॉअर खोलने में, मल्टीपल ऐप से अगर आपको तेजी से खोल के दिखाऊं, ये भाई मैंने फोन का खोल लिया, मैसेज का खोल लिया, फिर अपना हमने भाई कॉन्टैक्ट खोल लिए, साइड में एक क्रोम खोल लिया, ये हमारा कैमरा, ओ एप्स को भी खोलने में कहीं पे भी डिले या कोई भी लैग वैग नहीं आता। एंड वो इसलिए भी क्योंकि 8GB LPDDR4X RAM है, हम उसके साथ UFS 3.1 आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो इस प्राइस पॉइंट के लिए काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। देखो परफॉर्मेंस के लिए खाली प्रोसेसर का नहीं होता, अपना स्टोरेज भी देखनी होती है, जो आपकी रैम है वो भी देखनी होती है, सबका मिश्रण जब मिला के बनता है ना तब स्टोरेज बनती है। बट एक और तरीका देखने का, कुछ मत देखो,
भाई के अंदर, बस गेम चला के देखेंगे। तो हम तो गेम चला के देखने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेट्स गो। सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करेंगे काफी हैवी गेम। बट दिस इज नॉट वेरी डेंस, बट डेफिनेटली मजा आ रहा था भाई। टेस्ट वेस्ट कर देगा हमने, टच वच काफी बढ़िया था, चल रहा था। एंड इसमें एक गेम मोड भी ऑन कर रखा है, गेम हाइपर बूस्ट गेम इंजन टाइप है, बट गेम मोड में ज्यादा कुछ है नहीं, बस ऑन हो जाता है। बीजीएमआई में गाने भी आने लगे हुए हैं। कौन सा गाना है? अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा सेटिंग में चल रही है, जो इस प्राइस पॉइंट के लिए सॉलिड सेटिंग है। स्मूथ पे 90 FPS नहीं, एक्सट्रीम तक खींच सकते हो आप। अल्ट्रा HDR पे हम तो अल्ट्रा पे खेलेंगे भाई, अलग मजा आएगा। कुछ तो बता रहा भाई। भाई मेरे को एक चीज डेफिनेटली प्यारी लगी, OnePlus ने भाई इस डिस्प्ले के ऊपर काफी काम कर रखा है, एंड ये डिस्प्ले यूज करने में डेफिनेटली काफी सॉलिड है। यार एक को भी नहीं मार पा रहा यार, ये कैसे छुप छुप के मार रहे हैं, देखा सामने मारिए ना भाई, देखा क्या मारा, चार बंदों को तो लपेट दिया भाई। एक्चुअली ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और गेम खेलने में काफी मजा आ रहा है। गेम खेलने में बहुत मजा आया दोस्तों। इसके वजह से दो वेरिएंट आते हैं, 8GB रैम प्लस 128 या फिर 256GB स्टोरेज आपको मिल जाएगी। तो भाई फाइनली अगर मैं आपको एकदम सीधा सीधा बताऊं, हमारा पोपट नहीं हुआ है। ये अप्रैल फूल नहीं बनाया गया हमारे, एक्चुअल में 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ। कैमरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले बैटरी ऑलमोस्ट सारी चीजों में काफी अच्छा वैल्यू पैकेज लेके आ रहा है। मेरे हिसाब से बिल्ड एक ऐसी चीज है जो काफी बेटर हो सकती थी, बट उसके अलावा बाकी सारी चीजें भाई एक आपको बैलेंस्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देंगी। एंड इस प्राइस पॉइंट के लिए भाई ये डेफिनेटली एक किलर स्मार्टफोन है, एंड हमको पर्सनली भाई यूज करके डेफिनेटली काफी सॉलिड लगा। आई होप आपको भी लगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।